बैठ बैठ कर जिसका पेट बढ़ रहा हो वो ये एक चीज खा ले, पेट तेजी से कम होने लगेगा। किसी फिक्र को कबूल किए बगैर इस पर गौर करना आपके तालीम याफ्ता होने की निशानी है। जो शख्स बहाना बनाने में बहुत अच्छा हो वो किसी और काम में अच्छा नहीं हो सकता। बेवकूफ आदमी का असल अलमिया ये है कि इसकी कोई हमाकत आखिरी नहीं होती। शैतान की कामयाबी के लिए यही काफी है कि खैर और शर की कश्मकश में अच्छे लोग कुछ ना करें। पैसा बदतरीन आका है मगर बेहतरीन गुलाम है। मैं कभी चुप रह कर नहीं पछताया, जब पछताया बोल कर पछताया। जन्नत का हकीकी मुस्तहिक वो है जो कुर्बानी के दर्जे में इसका तलबगार बने। आज का मुसलमान तो ख्वाहिश के दर्जे में भी इसका तलबगार नहीं। बेहतरीन इंसान वो है जो मसाइल हल करता है और बदतरीन वो है जो मसाइल पैदा करता है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतरीन होना है तो तनकीद सुनिए। इसने क्या पाया जिसने खुदा को खो दिया, इसने क्या खोया जिसने खुदा को पा लिया। जो पढ़ नहीं सकता और जो पढ़ता नहीं है दोनों यकसा तौर पर जाहिल रहते हैं। वक्त की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह इस काम का आगाज है जिसे आप पूरा ना करें। आज खुदा के नाम पर हर चीज की तरफ बुलाया जा रहा है सिवाय इस चीज के जिसकी तरफ खुद रब ने बुलाया है। जहाज बंदरगाह में महफूज होते हैं मगर जहाज बंदरगाह के लिए बनाए नहीं जाते। अगर आप मसाइल से निजात पाना चाहते हैं तो इन्हें हल करना शुरू कर दें। आपका दुश्मन वो है जिससे आपको नुकसान पहुंचे कति नजर इसके कि वो आपके खिलाफ है या आपके साथ। खुदा ने चीजें इस्तेमाल करने और लोग मोहब्बत के लिए बनाए हैं मगर इंसान चीजों से मोहब्बत और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मुताला कीजिए, ये इंसान वो शर्फ है जो किसी जानवर को हासिल नहीं। असूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। बैठ बैठ कर जिसका पेट बढ़ रहा हो वो सौंफ और जीरे का कहवा बनाकर पिया करे, पेट कम होने लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।